आयुक्त मुरादाबाद मंडल अनिल राजकुमार ने सोमवार को मुरादाबाद मंडल की मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी 2018-19 का पंचायत भवन सभागार में दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इससे पूर्व आयुक्त एवं मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर एवं संभल के जिलाधिकारियों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने जिगर मंच परिसर में लगाई गई विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी स्टॉलों का अवलोकन किया तथा योजनाओं का किसानोन्मुखी बनाने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर गोष्ठी को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त अनिल राजकुमार ने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं के निस्तारण के प्रति गंभीर व संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि अधिकारी किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बने तथा किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ, बिजली कनेक्शन व पैमाइश आदि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। आयुक्त ने आगे कहा कि किसान उन्नत तरीके व तकनीक व अच्छे प्रबंधन को उपयोग में लाकर फसलोत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि खेती में समय से हुई बुआई करने से उत्पादकता बढ़ जाती है तथा समय से पूर्व व समय के बाद खेती करने से उत्पादकता घट जाती है। आयुक्त ने कहा कि गोष्ठी किसानों को कृषि संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारी देने के उद्देश्य से कराई गई है। आयुक्त ने किसानों से कहा कि शाम को जब घर जाएं तो दूसरे कृषकों को भी रबी गोष्ठी में ली गई जानकारी बांटें और उन्हें भी लाभान्वित करें। गोष्ठी में बताया गया कि सरकार द्वारा रबी फसलों के बीज पर अनुदान को 50% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। किसान अपने उत्पाद को देश के किसी भी मंडी में बेच सकते हैं तथा किसानों का आह्वान किया गया कि वे क्लस्टर में खेती करके लाभ उठाएं तथा फसल अवशेष न जलाएं क्योंकि इससे उनके स्वास्थ्य, खेती तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। गोष्ठी में बताया गया कि सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में गौशाला स्थापित करने हेतु धनराशि आवंटित कर दी गई है तथा निराश्रित गौवंश को गौशाला में रखा जाए। यह भी बताया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा सभी नगर निकायों को निराश्रित पशु गौवंश के भरण पोषण के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। गोष्ठी में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को उन्नत तकनीक के माध्यम से खेती करने, उन्नत बीजों, फसलों में लगने वाले रोगों व उनके रोकथाम हेतु उपायों तथा कृषि उत्पादकता को बढ़ाने आदि के विषय में विस्तृत रूप से बताया। किसानों को पहले तो वैज्ञानिक किताब पढ़ाते रहे, जो जो भी किताबों में पढ़ी है। अरे हम भी तो वैज्ञानिक, हम खेती कर रहे हैं, हम भी जानते हो, तो हमें अपनी बात रखनी पड़ेगी। दिला साहब नीचे सही कहते हैं तो कोई सुनेगा? तो आज यह मौका मिला उसके लिए धन्यवाद। गोष्ठी का आयोजन हुआ, क्या उद्देश्य रहा और किस तरह की गोष्ठी रही? मंडल में रबी फसलों के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्रफल में बोई जाने वाली रबी की फसलों के अधिक उत्पादन को लेने की रणनीति पर आज इस गोष्ठी में विचार विमर्श किया गया। कृषि और दूसरे संबद्ध विभागों द्वारा किसानों के हित में जो योजनाएं संचालित की जा रही है उस पर चर्चा की गई और जो कृषि निवेश का व्यवस्था किसान के लिए समय से सुनिश्चित किया जाए इस संबंध में रणनीति बनाई गई। किसानों के सुझाव लिए गए हैं, उन पर कार्रवाई करते हुए सभी विभागों को सचेत किया गया कि किसानों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और सभी इंतजाम समय से सुनिश्चित किए जाए। सर, पूरे मंडल के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं आज गोष्ठी की अध्यक्षता माननीय आयुक्त मुरादाबाद मंडल द्वारा की गई, जिसमें समस्त जिलों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, कृषि और अन्य विभागों के मंडल और जिला स्तर के अधिकारी के साथ साथ सभी 5 जनपद के सम्मानित किसान भाइयों द्वारा इस गोष्ठी में भाग लिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, रामपुर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, बिजनौर डीएम अटल कुमार राय, संबल डीएम अविनाश कृष्ण सिंह, जेडीसी के वैश्य, सीडीओ मृदुल चौधरी, जेडी कृषि आरएस राम, उपनिदेशक कृषि अशोक कुमार तेवरिया सहित पशुपालन, मत्स्य मंडी, विद्युत, सिंचाई, नलकूप, उद्यान आदि विभागों के अधिकारीगण तथा सभी जनपदों के सीडीओ, जिला कृषि अधिकारी सहित सभी जनपदों से आए प्रगतिशील किसान उपस्थित रहे।